हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है, अब सुबह सुबह बाहर निकलना बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने तो घर पे ही अपना व्यायाम और कुछ एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं अगर आप बाहर टहलने नहीं जाना चाहते हैं इस ठंड में। विशेषकर उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं या 60 साल से ऊपर हैं और वो बाहर नहीं जाना पसंद करते हैं, तो घर के अंदर ही कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके लिए मैं जो कुछ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि ये आप लोग भी करें। हाँ, जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ वो हो सकता है कम हो, आप अपने शक्ति अनुसार उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ उतना भी आप कर लीजिएगा तो आप दिन भर चुस्त और स्फूर्तिदायक महसूस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करीब 100 कदम अपने घर में आराम से चलिए, जैसे मैं चल के दिखा रहा हूँ उसको करिएगा, ठीक है? इस तरह करीब 100 कदम आप चल लीजिए, उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे करीब, वो भी 100 बार होगा कम से कम। इस तरह से 100 कदम ब्रिस्क वॉक करने के बाद में फिर उसके बाद कुछ हम लोग छोटे मोटे एक्सरसाइज करेंगे, उसको देखिए। इतना करने के बाद कुछ आसन हम लोग बैठ करके करेंगे। अब जमीन पे तो बैठ नहीं सकते, इसलिए बेहतर है हम लोग बेड पर बैठ करके करेंगे। चलिए देखते हैं बेड पर कैसे बैठ के बाकी एक्सरसाइज करते हैं। बेड पर बैठने के बाद में जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उसको आप 10 बार कम से कम कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कम से कम 10 बार कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसको करने के बाद अपना पैर बैठ के ऊपर रख लीजिए और पैर को सीधा कर दीजिए। उसके बाद पैर के उंगलियों को कम से कम 10 बार कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 2 या 3 बार करके दिखाऊंगा, और जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं 2 या 3 बार करके दिखा रहा हूँ, आप उसको कम से कम 5 या 10 बार कीजिएगा। पहले, उसके बाद पंजों को आगे पीछे, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने पैरों को घुमाइए कम से कम 5 से 10 बार तक। उसके बाद पालथी मार के बैठ जाइए। अगर आप पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे भी ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हाथों को आगे करके उंगलियों को इस तरह करने के बाद में कम से कम 10 बार इसे भी कीजिएगा। दोनों को उंगलियों को मिला के ऊपर नीचे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे एक्सरसाइज कम से कम 10 बार कीजिएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज भी कम से कम 10 बार इस तरह से। इस तरह से कम 10-10 बार ये एक्सरसाइज दोहराने के बाद में कुछ देर सांस ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत योगासन करेंगे जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत आसन है।
ये मैं एक एक दो दो बार करके बताऊंगा, कम से कम आप इसको 5 से 10 बार कम से कम कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। इस तरह 10-11 बार अनुलोम विलोम करने के बाद इसी तरह भ्रामरी करेंगे करीब 10 बार। भ्रामरी करने के बाद में हम लोग उद्गीत आसन करेंगे, ये भी कम से कम 10 से 11 बार कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको करने के बाद में। इस तरह से कुछ एक्सरसाइज और कुछ योग प्राणायाम करने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें जो भी मैंने किया है इसको अपने शक्ति अनुसार बढ़ाते रहिए, या किसी योग प्रशिक्षक से बात करके भी अपनी योग क्रिया या एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगता है या जैसा भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।